हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कृषि एपिक्योर। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कोकोनट चटनी। जैसे कि केरला में बनाई जाती है, बिल्कुल वैसी ही चटनी हम बनाएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कोकोनट चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है कोकोनट। इसको मैंने कोकोनट को अच्छी तरह से काट लिया है छोटे पीसेस में, ताकि इसे ग्राइंड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसे मैं ऐड कर देती हूँ इसमें और इसका मैं पेस्ट रेडी कर देती हूँ। कोकोनट को हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। अब हम चटनी को थोड़ा सा डिफरेंट बनाने के लिए अब हम इसमें ऐड करेंगे चने की दाल। अब हम एक पैन ले लेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे ऑयल। एक चम्मच ऑयल हमने इसमें लिया है। की दाल, चने की दाल ये वाली होती है गाइस। आधा कटोरी हमने चने की दाल लिया है और इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। और इसे थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन होने के लिए रख देती हूँ। इसे आप ऐसे ही चलाते रहिएगा हाथ, ताकि ये नीचे ना लगे। एंड गाइस, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए ऑयल गर्म होने लगा है, इसे अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने ग्राइंड कोकोनट को एक बर्तन में सेपरेट कर लिया है। अब ये जो मैंने भुना हुआ चना है, इसे मैं इसे भी पीस लूंगी। और मैंने इसे ऑयल जो है सेपरेट कर लिया है। इसको मैं अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूंगी, एक स्मूथ टेक्सचर रेडी कर लूंगी। ये हमने चना अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। चना को ग्राइंड करते समय आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो पानी ऐड कर दीजिएगा। देखिए ऐसे ही टेक्सचर आपको रेडी करना है। अभी मैं इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अब हम इसमें थोड़ा सा ऐड कर देते हैं पानी, टेक्सचर को थोड़ा सा स्मूथ बनाने के लिए। और इसमें मैं ऐड कर देती हूँ नमक आधा चम्मच। और इसमें मैं ऐड कर देती हूँ लाल मिर्च, ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच से भी कम लूँगी, 1/4 चम्मच ले रही हूँ इसमें। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। अब मैं चटनी का जो है तड़का रेडी कर देती हूँ। इसे मैंने पानी थोड़ा सा और ऐड कर दिया है। अब हम सेम पैन में चटनी का तड़का रेडी करेंगे, जिसके लिए हम मैंने लिए हैं कड़ी पत्ता। और इसे मैं ऐड कर रही हूँ जीरा और राई। इसका हम एक तड़का रेडी कर लेंगे। इसे 1 से 1.5 मिनट तक हम तड़के को रेडी कर देंगे। देखिए कोकोनट की चटनी के लिए तड़का हमने रेडी कर लिया है। इसे आप सर्व कीजिए। कोकोनट की चटनी को आप 3 से 4 दिन तक आराम से इसका यूज कर सकते हैं फ्रिज में रख के। तैयार है हमारी कोकोनट की चटनी। चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।